नमस्ते, आई एम डॉक्टर मोनिका गुप्ता, कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, मणिपाल हॉस्पिटल भुवनेश्वर। मु लैप्रोस्कोपिक सर्जन, इनफर्टिलिटी एंड IVF स्पेशलिस्ट अच्छी। तो दैट इज वाई आज आम जो वर्ल्ड IVF डे अच्छी जुलाई 25 रे सबु वर्ष सेलिब्रेट हुए। यही वर्ल्ड IVF डेटा अवेयरनेस करिया पाई IVF इनफर्टिलिटी गोटे इनफर्टिलिटी रो गोटे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट अच्छी IVF की असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहती। आ विषय अवेयरनेस करिया पाई आउ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट विषय लोक मानक जणेया पाई एही दिनटा सेलिब्रेट होउची। काहेकि एही दिन रे जो वर्ल्ड रो सबुठू प्रथम IVF कंसीव्ड बेबी थिला लुई ब्राउन, ताहार जन्म 1978 25th जुलाई रे हेथिला। सेथिपाई कि एही दिनर अवेयरनेस पाई IVF विषय रे मु किछि बहुत सारा जो आम पेशेंट मानकर मनरे मिसकनसेप्शन्स कि धारणा थाए को जिनसटा भूल धारणा थाए ताकू आज मु ता विषय रे किछि कहिबाकू चाहूचे। तो सबुटु फर्स्ट मिथ जोटा पेशेंट माने आसी कि हमकू पचारंती कि जदि आमे IVF करैबू तो आपण ग्यारंटी देबे कि 100% सक्सेस हबो कि नाही। तो मु कहिबाकू चाहूची कि आजकाली IVF रो प्रोसेस एते थ्रू सो मेनी इयर्स जोटा मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन IVF द्वारा एबे जन्म हो सारंती आउ ए प्रोसीजर सक्सेसटा बहुत इम्प्रूव हो जाइए। बट एटा ग्यारंटी करिबो नाही कि आपणकर 100% चांस अच्छी प्रेगनेंसी रहिबार। बट मोस्ट ऑफ द केसेस रे 40-60% पेशेंट कंसीव हो जाती आउ बहुत सारा फैक्टर्स थाए आर सक्सेस उपरे डिपेंड करुची, जमती कि आपणकर एज कौन अच्छी आउ आपणकर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम कौन अच्छी, कौन पे आपणकु कंसीव होउनी, ए सबु जिंस उपरे आर सक्सेस डिपेंड करुची। बट स्टिल ड्यू टू दि एडवांसमेंट्स तार सक्सेस रेट एबे काफी इम्प्रूव हो जाइछि। एबे सेकंड मिथ हला कि जदि थरे गोटे IVF साइकिल फेल हो गला तो नेक्स्ट टाइम कौन आपणकु सक्सेस मिलिबो। तो एटा भी गोटे मिथ अछि कि थरे जदि IVF साइकिलटा फेल हो गला नेक्स्ट टाइम आउ सक्सेस हो पारिबो नाही। बहुत सारा पेशेंट्स अछंती ड्यू टू मेनी फैक्टर्स किछि हार्मोनल प्रॉब्लम पई तंकु फर्स्ट साइकिल रे कंसीव हो पारुनी, बट तंकु सेकंड साइकिल रे कंसीव प्रेगनेंसी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी थ्रू IVF हो पारे। एबे थर्ड मिथ अछि कि IVF रे सदा बळे जो पिला जन्म हेबे सेटा ट्विन्स कि ट्रिपलेट्स एमती ही हेबे। एटा भी गोटे मिथ अछि। आगे जेबे IVF रो सक्सेस कम थिला सेही टाइम रे जनरली डॉक्टर्स माने गोटे रु बेसी एम्ब्रियो ट्रांसफर करूथिले दीटा कि तीनटा, से सिचुएशंस रे ट्विन्स कि ट्रिपलेट्स होउथिले। एबे सिंस आमर एते एडवांस हो जाइछि टेक्निक, लैब टा एते एडवांस हो जाइछि कि जो एम्ब्रियो टा आमे तैयारी करूछु दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी एम्ब्रियो, तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करिले भी प्रेगनेंसी रो चांसेस बहुत भल रहुची। दैट इज वाई जदि आमे सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करुचु तो छुआटा सिंगल ही हबो। आउ एबे आउ गोटे मिथ अछि कि IVF रे जो बेबीज माने जन्म हुवंती तांकु किछि जेनेटिक कि हेरिडिटरी कि आउ भी बहुत सारा रोग हुए। तो एटा भी गोटे मिथ अछि कि IVF रो बेबीज मानंकु बेसी प्रॉब्लम्स हुए। IVF रो बेबीज जेमती कि नेचुरल प्रेगनेंसीज रे कंसीव हे कि जो बेबीज जन्म हुवंती, एबे तो आम पाखे एते डेटा अच्छे बिकज एते सब चिल्ड्रेन IVF द्वारा जन्म होके एबे बड़ भी हो गले, बाहागर भी हो जाइछि, तांकर भी छुआ होउछंती। तो IVF कंसीव्ड बेबीज रो किछि एमती बहुत बेसी डेवलपमेंट उपरे कि तांकर मेंटल डेवलपमेंट कि फिजिकल डेवलपमेंट उपरे प्रॉब्लम्स नाही। जेमती नेचुरल प्रेगनेंसीज रे टिके रिस्क थाए सेते के ही रिस्क थाए IVF कंसीव्ड बेबीज रे भी किछि। तापरे बहुत पेशेंट्स माने आसिकी कहंती कि मैडम IVF करले खाली झियो हबो कि खाली पुओ हबो, तो एटा भी गोटे मिथ अछि। आमे IVF प्रोसेस रे सेक्स टा डिटरमाइन करि परिबु नाही, आउ एमती किछि नाही कि IVF रे आपनकर गोटे जेंडर रो पिला ही हबो। आउ एबे लास्ट मिथ अछि कि IVF रु जो IVF इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, बहुत पेन हुए ड्यूरिंग दि प्रोसेस। एटा भी पेशेंट माने बहुत भावंते कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस अछि। तो एबे मु कहिबाकु चाहूँ कि एबे जो IVF रो सबु टेक्निक्स अच्छी बहुत एडवांस हो जाइए। जो भी इंजेक्शन्स गुड़ा IVF रो आसुची से गुड़ा सबु सबक्यूटेनियस जोटा कि जमती इंसुलिन रो इंजेक्शन आपण नियंती तार नीडल्स जोटा अच्छी बहुत पतला नीडल्स अच्छी। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स निजे से इंजेक्शन्स गुड़ा सेल्फ एडमिनिस्टर करिपरिबे। से इंजेक्शन्स गुड़ा मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स केबे भी पेन कंप्लेन करंती नै से इंजेक्शन्स रे। आउ जो एग रिट्रीवल रो प्रोसेस अच्छी जोटा आपणकर ओवरीज रो अंडाटा बाहर करा हुए, सेही प्रोसेसटा भी अंडर एनेस्थीसिया करा हुए।
एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कि आफ्टर दैट प्रोसेस भी बहुत मिनिमल पेन पेशेंट्स मैंने कंप्लेन करती द होल प्रोसेस पूरा प्रोसेसटा जनरली 2 to 3 वीक्स रे ओवर हो जाए तो से कि एटा जो मिथटा अच्छे कि IVF इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि पेनफुल प्रोसेस दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग मिथ आउ तापर गोटे मिथ अच्छे कि जो लेडी फीमेल्स मैंने जो मैंने IVF करूँच जो ये IVF प्रोसेस द्वारा जो अंडाटा कढ़ा होकर ओवरीज रे कैंसर करके ओवेरियन कैंसर करके बहुत सारा लोक मैंने भावती तो यहाँ भी मुझे चाहूँगी ये गोटे भूल धारणा अच्छी कि IVF प्रोसेस करेले आपणकर कैंसर रिस्क बढ़ीज जदि गोटे कि दुटा IVF सैकल होवरीज से प्रोसीजरटा हो तो किसी एमती एविडेन्स ना कि ओवरी कैंसर बढ़ुची यस अफकोर्स आई वुड से कि मल्टीपल सैकल्स अफ IVF जो मैंने 4-5 सैकल्स करूँ मे बी फ्यूचर टी रिस्क बढ़ी पारे बट जदि आप गोटे दुटा सैकल IVF करें सेटा आपणकर ओवरी कैंसर किसी रिस्क बढ़े ना तो ऑन दिस वर्ल्ड IVF डे आई जस्ट वांट टू क्रिएट अवेयरनेस कि जदि आपको लगुच कि इफ अदर ट्रीटमेंट्स हैव फेल्ड प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम प्लीज कम एंड डिस्कस आपणकर जहाँ भी मिथ्स अच्छी वी आर देयर टू क्लियर योर डाउट्स एंड वी कैन अश्योर अ वेरी गुड चांस ऑफ प्रेगनेंसी इफ आपणकर बाकी सब फैक्टर्स इन कंट्रोल अच्छी तो देर इज ऑलवेज अ वेरी गुड चांस कि आपको सक्सेस मिले थ्रू IVF प्रोसेस थैंक यू सो मच